चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें अब देख लेते हैं। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक का किया पेश, गृहमंत्री दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में देंगे जवाब। इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। चुनाव को लेकर होनी थी इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक, कई नेता बैठक में शामिल होने से कर चुके थे इनकार। सबसे पहले ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार और अखिलेश ने किया था मना। 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकता की निकली हवा, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का सीधा आरोप, ममता बनर्जी को बैठक के बारे में नहीं दी गई जानकारी, गठबंधन को कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित होने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज, कहा वो दिन दूर नहीं जब चाय की दुकान और पेड़ के नीचे होगी इंडिया अलायंस की बैठक। इंडिया गठबंधन में गतिरोध पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, का मौजूदा सियासत में गठबंधन का कोई रोल नहीं, ये अलायंस में शामिल दलों को हो गया एहसास। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की, लाभार्थियों के साथ बैठकर खाया दोपहर का खाना। चुनाव हारने के बाद आभार सभा में छलका कांग्रेस प्रत्याशी का दर्द, फूट फूट कर रोए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह सेरा, वीडियो वायरल, बीजेपी प्रत्याशी ने 31,000 वोट से हराया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर बोले टीएस सिंहदेव, कहा हार की जिम्मेदारी तो हम सबको लेनी पड़ेगी, हार अपेक्षित नहीं इसीलिए ये चिंतन का विषय, एमपी और छत्तीसगढ़ में ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं। राजस्थान के दौसा में बांदीकुई से बीजेपी विधायक ने सरकारी अस्पताल का टॉयलेट साफ किया, 10 दिन में पूरी व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी, सरकारी कर्मचारियों पर जमकर बरसे विधायक। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी, यूपी सरकार पर फिर से साधा निशाना, अपनी ही सरकार की नीतियों पर उठा रहे सवाल, कहा मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। नियम के सांसद सेंथिल कुमार का संसद में विवादित बयान, कहा बीजेपी की ताकत है कि वो गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, बीजेपी की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार अपने बयान पर कायम माफी मांगने से किया इनकार, कहा मुझे नहीं लगता कि बयान वापस लेना चाहिए, आपत्तिजनक होता तो संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता। सेंथिल के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार, कहा भाषा का खामियाजा उन्हें 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा, ऐसे लोगों को जनता लोकसभा में सबक सिखाएगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएमके पर बोला हमला, कहा डीएमके नेताओं का अगर यही रवैया रहा तो गौमूत्र वाले राज्यों में ही नहीं सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। सेंथिल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, सनातन का अपमान करने वाले लोग पूरी तरह साफ हो जाएंगे, गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान देश नहीं सहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान की निंदा की, सेंथिल को बयान वापस लेने की उठाई मांग, कहा ऐसी टिप्पणियों को नहीं माना जाएगा सही। सेंथिल के विवादित बयान पर बोले बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव, कहा ये बीजेपी पर हमला नहीं है बल्कि दक्षिण के लोगों पर हमला, गौ माता की पूजा दक्षिण में भी होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेंथिल के बयान पर कसा तंज, कहा हम गौ के गोबर और गौमूत्र का सम्मान करते हैं, सनातन से टकराने वाला खुद समाप्त हो जाएगा, सनातन के विरुद्ध बोलना बन गया है फैशन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।